मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे, वो निश्चित है। भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं, पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं, वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को